हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है सब खैरियत से होंगे वेलकम टू साइका मजेदार आज बनाया है मैंने रामपुरी स्टाइल तार कोरमा बहुत ही डिलिशस ही बन के तैयार होता है आप एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिए जितना आसान है ना इसको बनाना बनता इतना फिंगर लिकिंग है कि आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो दोबारा ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करेंगे तो बिल्कुल ऑथेंटिक वे में ये कोरमा हम बना के तैयार करेंगे तो ये पतीली में बनाऊंगी तो इसके अंदर मैंने आधा कप तेल डाल दिया है जब तेल थोड़ा गर्म हो गया तो इसमें तेज़पात लौंग और हरी इलायची डाल दी है साथ में इसमें डाला है लहसुन अदरक का पेस्ट एक टी स्पून भर के और इसी के साथ इसमें जाएगा केड़ा वाटर जी हाँ केड़ा वाटर स्टार्टिंग में ही जाएगा तेल के अंदर एक खुशबू लाने के लिए तो हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें केड़ा वाटर डाल दिया है और इन सारी चीज़ों को जो है ना अब तेल में अच्छे से मिक्स कर लेंगे जैसे नदरची हल्की सी कच्ची स्मेल खत्म हो जाए इतना इसको फ्राई कर लेंगे तो बस एक मिनट काफी रहेगा अब इसके अंदर हम डालेंगे दो बारीक स्लाइस करीब ही प्याज और प्याज को जो है ना तेल में मिला के हमने इसको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है प्याज पे देखिए हल्का सुनहरा रंग आ गया है तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे फूल मखाने और मखाने डाल के इसको इतना फ्राई कर लेंगे कि मखाने अच्छे से फ्राई हो जाएं और प्याज जो है ना प्रॉपर जो कोरमे वाला कलर होता है ना वैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाए ये देखिए प्याज से बिल्कुल परफेक्ट कलर आ गया है कोरमे वाला तो इसकी पतीली को थोड़ा सा टिल्ट करके इसको टेढ़ा करके इसका तेल बचाते हुए ये प्याज और मखाने हमने निकाल के प्लेट में एक अलग रख लेना है और इसको हमने पीसना है लेकिन अभी फ़ौरन नहीं पीसना है जब प्याज ठंडी हो जाएगी ना आप तब पीसीगा वरना प्याज का कलर जो है ना अभी गर्म गर्म पीसने से बिल्कुल काला पड़ जाएगा बचे हुए तेल के अंदर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 750 फिफ्टी ग्राम्स के करीब बड़े का गोश्त आप चाहें तो ये रेसिपी मटन से बना लें मगर बड़े के गोश्त में बफेलो के गोश्त में ये रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है तो गोश्त जो है ना इसमें थोड़ा सा चिकना वाला यूज़ होता है ताकि इसका असली बिल्कुल ऑथेंटिक इसका फ्लेवर निकल के आए तो मीडियम फ्लेम पे गोश्त को है ना हमने चार से पाँच मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना है इतना फ्राई कर लेंगे कि गोश्त का जो कलर है ना वो चेंज हो जाए तो जब तक गोश्त को मैं फ्राई कर रही हूँ साथ में जो है ना दही और मसालों का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं तो बोल के अंदर मैं डाल रही हूँ ये टू थर्ड कप के करीब दही है वजन में आपको बताऊँ तो वन फिफ्टी ग्राम्स के करीब दही है और अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट तो इसके अंदर मैं दो टी स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सूखे मसालों में मैंने इसमें डाल दिया है एक टेबल स्पून धनिया पाउडर वन टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर और इसके अंदर डाली मैंने थोड़ी सी आधी चम्मच के करीब हल्दी पाउडर और वन टीस्पून मैंने इसमें डाला है पीली मिर्च रामपुरी कोरमे में पीली मिर्च ज़रूर जाती है अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह अपने टेस्ट के हिसाब से लाल मिर्च डाल लीजिए नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से इन सारी चीज़ों को अच्छे से दही के अंदर हम पहले मिक्स कर लेंगे ये देखिए अच्छे से दही का और मसालों का मिक्सचर बनके तैयार हो चुका है इसको साइड में रख लेते हैं और गोश्त की तरफ़ देख लेते हैं तो गोश्त जो है ना ये अच्छे से फ्राई हो चुका है आप देख सकते हैं इसका कलर जो है पहले से काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है तो अब फ्लेम को लो कर देंगे गोश्त ने अपना पानी ख़ुद ही रिलीज़ किया है तो अभी और एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं है अभी फिलहाल तो जो दही का और मसालों का मिक्सचर बना के रखा था ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे सारा अब गोश्त को दही और मसालों को अच्छे से हम फ्राई करेंगे और इतना भून लेंगे कि जो है इसका एक्सेस पानी जो है ना दही का वो ख़त्म हो जाए और जो तेल है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए देखिए मसाला अच्छे से भुन चुका है तेल जो है ना सेपरेट होना शुरू हो चुका है दही वगैरह खूब अच्छे से भुन चुका है तो अब इसमें हम डालेंगे एक पीसी हुई प्याज तो एक मीडियम साइज की प्याज ले लें उसको बारी पीस लीजिए और वो पिसी हुई प्याज जो है ना इसके अंदर डाल दीजिए इस प्याज को भी जो है ना हम दही के साथ और मसालों के साथ गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करके इसको ऐसे मीडियम टू लो फ्लेम पे भुनेंगे कि दोबारा से जो तेल सेपरेट हो जाए और प्याज जो है ना अच्छे से भुन जाए ये देखिए आप मसाला बहुत अच्छे से भुन चुका है आप देख सकते हैं इसकी शकल कैसी चेंज हो गई है बिल्कुल दानेदार सा मसाला बन रहा है इसका तो अब हमने जो है गोश्त को जो है इसको गलाना है तो गोश्त के हिसाब से अगर आप मटन वगैरह यूज़ कर रहे हैं वो थोड़ा जल्दी गल जाएगा तकरीबन 40 टू 45 मिनट्स में क्योंकि ये बड़े का गोश्त लिया तो ये तकरीबन डेढ़ घंटे में गलेगा तो ये बिल्कुल आपके ऊपर है आप चाहें तो इसको प्रेशर कुक कर सकते हैं लेकिन जैसे क्यों क्योंकि मैं ऑथेंटिक वे में बना रही हूँ इसलिए मैंने इसको कम्पलीटली जो है पतीली में ही कुक किया है तो ये स्लो कुक होता है ना और एक डेढ़ घंटा पकता है ना तो गोश्त का जो मसालों का फ्लेवर है ना वो बहुत ही अच्छा निकल कर आता है तो हल्की आँच पर मैं इसको जो है ना कम्पलीटली डन होने तक जो है पका लेती हूँ तो जब तक गोश्त गल रहा है हमने तीन चीज़ों को तैयार करके रखना है तो पहले स्टेप में जो है ये हम नारियल का बुरादा लेंगे ये मैंने दो टेबल स्पून लिया है और इसके अंदर एक टेबल स्पून मैंने जो चार मगज होते हैं ना तरबूज़ की जो बीज होते हैं वो मैंने इसके अंदर डाल दिए इसको जो है हमने बारीक पाउडर इसका बना के तैयार कर लेना है दूसरी चीज़ जो हमने तैयार करनी है वो है इसके लिए गर्म मसाला तो इसमें मैंने लौंग हरी इलायची काली मिर्च तेज़पात जीरा और एक काली इलायची ली है काली इलायची को मैंने खोल लिया है इसके बीच निकाल दिए इसका बारीक पाउडर बना लेंगे और साथ में एक खुशबू का मसाला तैयार करेंगे इसके अंदर मैंने बादियान का फूल लिया है आधा टुकड़ा एक दालचीनी का टुकड़ा वन फोर्थ जो है जायफल लिया है और मैंने एक फूल जवित्री का लिया है ये खुशबू का मसाला अलग बना के तैयार रखेंगे तो तकरीबन सवा घंटा हो चुका है गोश्त को जो है हल्की आँचें पकते हुए और मैंने इसको बीच बीच में चार से पांच बार हर दस से पंद्रह मिनट बाद चमच चलाया है इसमें और पानी एक बार मुझे कम लगा था तो मैंने इसमें एक कप के करीब पानी और डाल दिया था तो शुरू में मैंने तकरीबन दो कप पानी डाला था फिर एक कप और डाल दिया था ताकि गोश नी से लगे भी नहीं तो ये आप बोटी देख सकते हैं अच्छे से टूट रही है बाकी जो है ये अभी और गलेगा अभी इसकी भुनाई भी होगी थोड़ा शोरबा भी होगा तो ये बहुत अच्छे से परफेक्टली डन हो जाएगा तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जो हमने शुरू में प्याज और मखाने तले थे ना गरम मसाले के साथ वो मैंने इसको इसी पॉइंट पे अभी मैंने इसको दरदरा पीस लिया है साथ में जो अभी हमने नारियल का और मींगो का पाउडर बनाया था वो भी डाला है और साथ ही में इसी वक्त ही इसके अंदर हम गरम मसाला डाल देंगे सारा नहीं डाल रही हूँ थोड़ा डालेंगे थोड़ा सा बाद में ऊपर से डालेंगे तो इन सारी चीज़ों को गोश्त के साथ अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हमने भूनना है तीन से चार मिनट और ताकि सारे फ्लेवर्स जो है ना सारे मसालों के फ्लेवर्स एक जान हो जाएँ तो आप शोरवे के हिसाब से इसके अंदर पानी रखेंगे क्योंकि ये तार कोरमा है तो नाम से ही पता चलना तार की तरह पतला तो इसमें थोड़ा सा पानी ज़्यादा यूज़ होता है शोरबा थोड़ा हल्का रखा जाता है पतला रखा जाता है मगर अगर आपको थोड़ा गाढ़ा शोरबा पसंद है तो आप उसी हिसाब से पानी अपनी पसंद के हिसाब से कम कर सकते हैं मैंने इसमें तकरीबन अभी तीन कप पानी इसमें शामिल कर दिया है और पानी के साथ ही इसके अंदर हम आधा कप रूम टेम्परेचर पे दूध जो है जो हमारा नॉर्मल घर का दूध होता है ना वो इसके अंदर हम डाल देंगे साथ में जो है जो थोड़ा सा गर्म मसाला बचा हुआ था वो डाल देंगे और जो खुशबू वाला मसाला बनाया था ना वो भी इसके अंदर हम सारा डाल देंगे इन सारी चीज़ों को गोश्त में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आखिर में इसमें जाएगा केड़ा वाटर ये तो हर कौरमे की जान होती है तो वन टी इसमें केड़ा वाटर डाल दिया हल्के हाथ से सब चीज़ों को मिक्स करेंगे और इसको ढक के जो है पाँच से सात मिनट जो है ना हल्की आँच पे पका लेंगे ताकि सारी खुशबूएँ एक जान हो जाएँ और ऑयल जो है सर्फेस पर आ जाएँ और पाँच मिनट हो चुके हैं हल्की आंच पे सब चीज़ों को उबलते हुए और ये देखिए इतनी मज़ेदार इसमें खुशबू आ रही है ना कि आप एक बार बनाएंगे ना इसको तो फिर आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होता है तो इसको ढक देती हूँ और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे और ये बेहतरीन सा मज़ेदार सा रामपुरी तार कौरमा बन के तैयार है जितना ये देखने में हसीन लग रहा है ना खूबसूरत लग रहा है खाने में ये बेहद ही डिलीशियस था ये बहुत लाइट बनता है लेकिन बहुत ही टेस्टी और बहुत ही फ्लेवरफुल बनता है तो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए इसको जो है आप नान के साथ तंदूरी रोटी के साथ इसको इंजॉय कीजिए बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होता है तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी और वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई तो इसको प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा